हाय एवरीवन, एग्जाम्स पास में आते जा रहे हैं, प्रेशर दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। कहीं फैमिली प्रेशर होगा, किसी पर रिश्तेदार का प्रेशर होगा, किसी पर करियर का प्रेशर होगा कि हमको तो ये चीज लेनी ही है, यहाँ पे सिलेक्शन हमको चाहिए। सबके अंदर ये जुनूनों का, जिनमें नहीं है तो वो जुनून को पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। किसी को उसका फ्रेंड मोटिवेट कर रहा होगा, किसी को उसके पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी आपने अपने आप को आईने में देखकर ये देखा कि आपने खुद को कितना मोटिवेट किया है, खुद कितना बदलाव की तरफ जा रहे हैं, खुद कितना अपने आप को उसकी तरफ झोंकने के लिए तैयार है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जरूरत आज के टाइम में, मैं मानता हूं, फैमिली सपोर्ट की होगी आपको, आपके टीचर्स की सपोर्ट की, आपके मेंटर्स के सपोर्ट की, आपके जो भी आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, उससे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत, उससे ज्यादा आज के समय में एक मेंटली जो सपोर्ट है वो आपको खुद से जरूरत है। आप खुद कितना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम हो या लाइफ का कोई भी किस्सा हो, हम तब जीत पाते हैं जब हम खुद अंदर से मजबूत होते हैं। किसी के मजबूत करने से, ये कोई हमें सब ये बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं तो आप ये कर लोगे, हम मानते एक हद तक होता है, लेकिन जब सच्चाई का सामना होता है तो आप खुद अकेले होते हैं वहां पर। मैं केवल आज के इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा आपको, जिंदगी के जिस पड़ाव पे आज आप खड़े हो, आप में से जरूरी नहीं कि हर इंसान सफल होगा, लेकिन सफल अगर नहीं भी हुए तो भी कोई दुख नहीं, अगर आप लड़ोगे तो। उस तरह लड़ो जिस तरह से दो, जब आपने देखा होगा जब बाघ, खासकर हम टाइगर से बात करते हैं, टाइगर को जब हम देखते हैं तो वो अपने शिकार के लिए एक दूसरे से इतना लड़ जाते हैं, एक हार जाता है उसमें से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरे को उसमें बाद में हारने का अफसोस रहता होगा। कॉम्पिटिशन का जमाना है, एक एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है। जॉब्स के सेक्टर में चले जाओ, यूनिवर्सिटी जेएनयू जैसे एंट्रेंस में आ जाओ, हर इंसान एक सीट चाहता है और ये चाहता है कि मैं एक बेहतर भविष्य बना सकूं। आप सिविल सर्विस देखते हैं, भीड़ देखिए कितनी, लेकिन आप फिर भी उन 900 सीट के अंदर आने के लिए कोशिश करते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं जो क्लासेस करवा रहा हो तो, बोलते सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर एग्जाम कैसा आएगा। मैटर नहीं करता है कैसा आएगा, आपने पढ़ा है ना, अपना बेस्ट दिया, इनफ है। कट ऑफ कितना जाएगा, अगर ये पहले से सोच के बैठोगे तो फिर मुझे लगता है कि वो जो 900 सीट के लिए या 700 सीट के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वहां पे 6 लाख लोग कंपटीशन में खड़े होते हैं, वो ये सोच के बैठ जाएं कि कट ऑफ कितना जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि उनमें से आधे लोग भी मैदान में कभी उतर पाएंगे। आज आप मैदान में हो और रिजल्ट आपके जो है, खासकर जो युद्ध की समाप्ति है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। जो लोग सफल होंगे उनकी जिंदगी में एक नया युद्ध आरंभ होगा, और जो असफल भी हो जाएंगे उनकी जिंदगी में एक दूसरे तरीके का युद्ध आरंभ हो जाएगा। लेकिन दोनों को जरूरत यह है, जो सफल हो वो अपने आप के अंदर जो आत्मविश्वास था उसको उस सीमा तक बनाए रखे जिस सीमा के लिए उसने आज शुरुआत की थी, और जो असफल हुआ है वो उस आत्मविश्वास को तब तक ना गिरने दे जब तक वो फिर से सफल ना हो जाए। कॉम्बिनेशन यहाँ पे आत्मविश्वास का ही है। फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि आपके दोस्त छोड़ दिए आपको, आपके घर वालों ने डांट दिया, फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क कब पड़ेगा, जब आप अपना कहीं आत्मविश्वास खो देंगे। अगर आपने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, भरोसा रखिए यार, जिंदगी की हर एक लड़ाई को चुटकियों में जीत लो। मुझे लगता है कि जब हम स्कूल से निकलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमें नहीं पता होता है कि हमें किधर जाना है। आप में से बहुत सारे इस साल 12th किए होंगे, स्कूल भी नहीं गए हैं कोविड की वजह से, शायद उतनी चीजें नहीं पता होंगी कि आखिर सोसाइटी को हम कैसे फेस करेंगे, आने वाला जो हमारा कल होगा उसको हम कैसे सुधारेंगे। लेकिन आप आज जिस आने वाले कल की तैयारी कर रहे हो, कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खुद के ऊपर भरोसा रख के उस कल को बेहतर बहुत बना सकते हो। वो कल क्या हुआ आप भी नहीं जानते हो, लेकिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। बस इतना ही कहना था कि
लड़ो दिल से, भरोसा रखो, जीत बहुत शानदार होगी। थैंक यू सो मच।